हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस। इसके पहले भी मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टोटल 6 लेक्चर अपलोड कर दिए। ओके फ्रेंड्स, यस, आज ही हमारा 7th लेक्चर है। ओके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 10 मार्क का सम। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके फ्रेंड्स, तो एंड से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बने रहना आप। ओके, यस फ्रेंड्स, अगर पहले के जो 7 लेक्चर है, 6 लेक्चर है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए या इसको देखने के बाद उनको देखिए। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 20 मार्क्स के लिए टोटल सम आपके एग्जाम में आने वाला है। 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके 5 मार्क्स फॉर्मेट आएगा, तो वी आर डूइंग ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, साथ में ऑब्जेक्टिव हो रहा है 5 मार्क्स का, ये तो हमारा हो चुका है। ओके, ये पहले देख लीजिए आप लोग, ये 5 मार्क्स का जो फॉर्मेट आता है ना, तो फॉर्मेट के 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया, हर एक के ऊपर मैंने लगभग 4-5 सम्स कराए। ओके यस, और फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर 10 मार्क का सम। 10 मार्क का सम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। 5th लेक्चर मेरा जो आया था, 5th 6th, वो 10 मार्क के ऊपर ही चल रहा है। मैं पहले बेसिक जो क्राइटेरिया होता है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो मैं आप लोगों का क्लियर करते चल रहा हूँ, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। अभी आप डिस्कस करेंगे, आज हम लोग एक तरह से जो 10 मार्क्स का सम्स आने वाला वो भी आ जाएगा इसमें, और जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हमारे टॉपिक की ओर। आज मैं लगभग आप लोगों को 5 सम्स कराऊंगा, तो देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यस, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे आगे आने वाली जो भी वीडियोस होगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, और आप लोग कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, और अपने नॉलेज को अपने अच्छा बनाएंगे। ओके, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, गो टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस, तो मेरा चैनल आ जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस आएगा। ओके, ये इस ऑनलाइन क्लासेस में जाइए, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियोस में जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं आप। वहाँ पे मैंने अकाउंट से रिलेटेड, OCM SP यानी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कंपनी लेटर्स यानी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लेटर्स, सारे लेक्चर अलग से अपलोड कर दिए हैं, तो उनको जरूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, यस, आज हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने टॉपिक पे आ जाते। आज का देख लिया आप लोगों ने, देख लिया होगा, आज मैंने लिख के रखा है सुपर इंपॉर्टेंट नोट। ओके, सुपर इंपॉर्टेंट नोट हम लोग देख रहे हैं। सुपर इंपॉर्टेंट नोट में क्या आता है, ओके फ्रेंड्स देख लीजिए, नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे एंड संडे। ओके यस, आप ही हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, सपोज किसी ने आपको बिल दे दिया और आपका जो बिल का मेच्योरिटी हो रहा है ना, हो रहा है 15 अगस्त को। अब आप क्या करेंगे, 15 अगस्त तो नेशनल हॉलीडे रहता है, बंद रहता है, पूरा देश बंद रहता है नेशनल हॉलीडे, तो आप क्या करेंगे, अभी आपका चेक पास नहीं हो सकता। ओके, उस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज आपका पास नहीं हो सकता, तो उसका डेट, ड्यू डेट क्या माना जाएगा, अर्लियर, एक दिन पहले। ओके यस, तो चलिए कर लेते हैं, डिटेल में मैं बता देता हूं। और आप लोग और एक बात, नोटबुक और पेन लेके बैठिए, सारा नोट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। 10 मार्क में तो हमारा हेल्प करेगा ये, 10 मार्क में हम लोग को ड्यू डेट फाइंड आउट करना रहता है ना, उसमें तो हमारा ये हेल्प करने वाला है ये 10 मार्क्स के सम्स में। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें श्योर है 100%, अगर नहीं आया ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि नहीं आया। ओके, लेकिन आएगा, ये श्योर आएगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ही देगा, बोल देगा डेट ऑफ बिल इतना है, 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, तो बताओ ड्यू डेट क्या होगा। ओके, तो आप लोग को बताना रहेगा, ऑप्शन दे देगा नीचे, मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, 5-6 एग्जाम्पल हम लोग। देखिए, नेशनल पब्लिक हॉलीडे और संडे, पब्लिक और नेशनल हॉलीडेज आर, पब्लिक और नेशनल हॉलीडेज आर, कौन कौन से पब्लिक हॉलीडे हैं या नेशनल हॉलीडे हैं, कौन कौन से, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, यस। ओके देखिए, इन द अबव केस द अर्लियर वर्किंग डेट विल बी कंसिडर्ड। अगर आपको किसी ने डेट ऑफ डे ऐसा बिल दिया आपका, छोड़िए अगर हम बात करें हमारे प्रॉब्लम्स में, 10 मार्क के सम में हमको आया है या 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर जो ड्यू डेट होता है ना बिल का, अगर इनमें से किसी भी डेट को आता है, किसी भी तारीख को आता है, लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, तो हमको क्या करना होगा, अगर इस डेट को आ रहा है, हमारा ड्यू डेट आ रहा है बिल का, तो हमको देखिए क्या दिया, इन द अबव केस द अर्लियर वर्किंग डेज, अर्लियर मतलब एक दिन पहले का वर्किंग डेज विल बी कंसीडर्ड एट ड्यू डेट ऑफ बिल, यानी एक दिन पहले की बिल को, एक दिन पहले वाले वर्किंग डेज को आपको कंसीडर करना होगा, क्या कंसीडर करना होगा, ड्यू डेट ऑफ बिल। ओके फ्रेंड्स, यस, आगे इमरजेंसी हॉलीडे, क्या होता है इमरजेंसी हॉलीडे, टेल मी फ्रेंड्स, इमरजेंसी हॉलीडे, जैसे भारत बंद, बाढ़ आने वाली है, ओके, बहुत भारी होने, बारिश होने वाली है, तो भारत बंद कर दिया, स्ट्राइक है, देखिए
इमरजेंसी हॉलीडेज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिक्लेयर किया एज इमरजेंसी हॉलीडे, देन नेक्स्ट अगर इमरजेंसी हॉलीडे है ना तो नेक्स्ट वर्किंग डेज विल बी कंसिडर्ड एज ड्यू डेट, लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, ओके या संडे है, या संडे भी याद रखना, संडे पड़ गया ना तो भी अर्लियर वर्किंग डेज को ड्यू डेट बोला जाएगा, ओके यस, अर्लियर मतलब वन डे बिफोर, एक दिन पहले, जैसे आज आने वाला था, आज संडे हो गया तो कल यानी सैटरडे को ही बिल का ड्यू डेट हो जाएगा, ओके यस। ये क्यों बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा और हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे ना 10 मार्क्स का उसमें भी हमको पता होना चाहिए। डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट एज इमरजेंसी हॉलीडे देन नेक्स्ट वर्किंग डेज विल बी कंसीडर्ड एज ड्यू डेट ऑफ बिल, क्या बोल रहा है कि डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया तो नेक्स्ट वर्किंग डेज, अगर इमरजेंसी है तो अगला यानी संडे आ रहा था, संडे सपोज फ्राइडे आ रहा था ड्यू डेट, लेकिन फ्राइडे को गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, भारत बंद, ओके तो नेक्स्ट वर्किंग डेज, तो जैसे सैटरडे क्या हो जाएगा, ये ड्यू डेट हो जाएगा, सपोज सैटरडे आ रहा था, गवर्नमेंट ने सैटरडे को भारत बंद कर दिया, ओके यस, इमरजेंसी हॉलीडे, तो संडे आता है तो संडे भी तो क्या हो जाएगा, ओके इसमें आ जाएगा पब्लिक हॉलीडे में, तो वो भी इसमें नहीं आएगा, वो नेक्स्ट फिर मंडे चला जाएगा, ओके फ्रेंड्स यस। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी हॉलीडेज आर लाइक नेशनल लीडर, किसी नेशनल लीडर का डेथ हो गया, कोई नेशनल लीडर है उसका अगर डेथ हो गया, उसके बाद स्ट्राइक है, भारत बंद है, एट्सेट्रा, स्ट्राइक लोग करते हैं, इम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल होती रहती है, उसमें अगर बंद है, अभी जैसे ऑटो रिक्शा का स्ट्राइक हो जाता है, और फिर रेलवे वाले स्ट्राइक करते हैं, टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स स्ट्राइक करते हैं टू इंक्रीज देयर सैलरी, ओके तो ऐसे टाइम पे, ओके या पता चला पूरे IT सेक्टर के जो इम्प्लॉयज़ हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने कर दिया, बैंक में ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज पास होता है, बैंक वालों ने स्ट्राइक कर दिया उसी दिन जिस दिन ड्यू डेट होने वाला था, तो क्या होगा, नेक्स्ट वर्किंग डेज रहेगा। आप लोग ये याद रखना, अगर इमरजेंसी है ना तो नेक्स्ट वर्किंग डेज, और अगर पब्लिक हॉलीडे है, संडे है, नेशनल हॉलीडे है, तो अर्लियर एक दिन पहले, ओके यस। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मैं एग्जांपल जो लेने वाला हूँ वो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है आप लोग के बुक में, लेकिन मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा देता हूँ आपको, ओके। देखिए जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, ओके आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ अ बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 12 जून 2015, एक बिल ड्रॉन किया गया और वो बिल को एक्सेप्ट किया गया, कभी एक्सेप्ट किया गया, 12 जून 2015 को, फॉर टू मंथ्स के लिए, देन कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, ओके यस। तो फॉर्मूला क्या रहेगा ड्यू डेट का, उसको तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था। अच्छा इसके पहले मैंने आप लोग को बता दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में, डेट ऑफ आफ्टर डेट क्या होता है, आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइड बिल क्या होता है। अगर आफ्टर डेट दिया है तो डेट ऑफ बिल से काउंट किया जाता है, डेट ऑफ बिल कभी ड्रॉअर ने बिल बनाया, और अगर आफ्टर साइड दिया हुआ है तो एक्सेप्टेंस डेट से ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है, ओके। लेकिन हमारा एग्जाम्पल जो है उसमें कुछ नहीं दिया ऐसा, क्या बोला, सिर्फ इफ अ बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 12 जून 2015, तो फिर हम पहले क्या लिख देंगे, हम लोग डेट्स, मंथ्स और ईयर, ओके ये फर्स्ट एग्जांपल ये हमारा, आप लोग नोट करते चलना, स्क्रीन पर आप लोगों को सम्स दिख रहा है, ओके ये स्क्रीन पर प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ। देखिए तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, डेट ऑफ बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख लीजिए, डेट ऑफ बिल हमारा क्या है, 12 जून दिया है, क्या दिया है, 12 जून 2019 है, राइट, 2015 दिया है, 12 जून 2015, और क्रेडिट पीरियड क्या दिया है फ्रेंड, 2 मंथ्स, ओके प्लस क्रेडिट पीरियड प्लस ग्रेस डेज, क्या ऐड करते हैं फ्रेंड्स, ग्रेस डेज, तीन दिन का ग्रेस डेज होता है उसको ऐड किया जाता है, ओके यस। तो देखिए क्रेडिट पीरियड कितना दिया है, 2 मंथ्स, और ग्रेस डेज कितना होगा, ये तो 13, और फिर 6 + 2 कितना आ जाएगा, अच्छा ग्रेस डेज यहाँ पे आया, ग्रेस डेज 3 डेज होता है, तो ये 12 + 3 बिकम 15, और ये 6 + 2 बिकम 8, और हो गया 2015, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 15 अगस्त। अब मुझे आंसर आप लोग देंगे क्या होगा ड्यू डेट, क्योंकि 15 अगस्त क्या रहता है, 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे है ना फ्रेंड्स, ये इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन बैंक का ये पब्लिक हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी मुझे आप लोग बताइए इसका ड्यू डेट क्या होगा, ओके ये ड्यू डेट फॉल हो रहा है, ये ड्यू डेट हमारा आ रहा है अकॉर्डिंग टू द पीरियड एंड ग्रेस डेज, बट अभी क्या होगा, देखिए अभी मैंने बताया था अगर नेशनल हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे आता है तो क्या करेंगे, अर्लियर वर्किंग डेट को ड्यू डेट माना जाएगा, ओके अर्लियर वर्किंग डेट, तो इसके अर्लियर वर्किंग डेज क्या होगा, 14th August 2015, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल ड्यू डेट, ये एक्चुअल ड्यू डेट हो जाएगा, ओके समझा, देखा है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिए, और भी ऐसे फैक्ट आने वाले हैं, ओके यस। तो ये नेशनल हॉलीडे हो गया, क्या हो गया, ये नेशनल
हॉलीडे, ओके। तो ऐसा कोई नेशनल हॉलीडे आ रहा है, पब्लिक हॉलीडे आ रहा है या संडे आ रहा है, तो वन डे बिफोर करना होता है। अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डेज को ड्यू डेट कंसीडर करते हैं। अभी मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। आवर सेकंड एग्जांपल इज, सेकंड एग्जांपल दिया है, इफ अ बिल इज ड्रॉन एंड डिक्लेयर ऑन 23 नवंबर 1994। ओके, तो डेट ऑफ बिल क्या दिया है फ्रेंड्स, डेट ऑफ बिल क्या दिया है 23, ये डेज हो गया, ये मंथ्स हो गए और ये ईयर हो गए, 23 नवंबर 1994, ओके, यस, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्रेडिट पीरियड फॉर 2 मंथ्स, देन कैलकुलेट ड्यू डेट। क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड कितना दिया है प्लस ग्रेस डेज, ग्रेस डेज, ओके। क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स, ग्रेस डेज 3, ओके, कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 13, और ये 26, और ये 1994, वाह ग्रेट। अभी तक सिर्फ 12 मंथ्स होते थे, इधर 13 मंथ्स भी आ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी 13 महीने आ सकते हैं क्या। अभी देखिए, नवंबर था, नवंबर के बाद क्या आता है दिसंबर, दिसंबर के बाद क्या आएगा जनवरी। इसका मतलब हमको ये स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, आपको 11 प्लस 2 13 नहीं लिखना है, ओके। ये 13 मंथ्स कभी आ ही नहीं सकता है, जैसे नवंबर था फिर दिसंबर आया, दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ विल बी जनवरी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 01 1995, समझ में आया। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा ना फ्रेंड, देखिए 20, ये 13 नहीं रहेगा, 1994 नहीं, 1995 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ओके। तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, जनवरी आ जाएगा ना तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ओके, यस। देखिए नवंबर था तो दिसंबर जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगा, ओके, यस। ये 13 नहीं होगा तो इधर 1995 भी बढ़ेगा, ये ईयर भी बढ़ जाएगा और ये भी। तो अभी क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए, 94 में ड्रॉ किया था, अभी इधर 95 आ जाएगा। सो ये हो गया आपका एक्चुअल ड्यू डेट, ये एक्चुअल ड्यू डेट आ रहा है, लेकिन ये क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है क्या, आप मुझे बताइए। 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज, इसको रिपब्लिक डे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक। 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, ओके, इसको गणतंत्र दिवस कहा जाता है। इस दिन अगर आपके बिल का या ड्रॉवर के बिल का ड्यू डेट आ रहा है ना, तो इस दिन पे वो बिल पास नहीं किया जाएगा, ओके। तो फिर इस केस में क्या होगा, अभी बताया था ना आप लोगों को, यहाँ पर देखा ना आप लोगों ने, नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे या संडे आ रहा है तो अर्लियर वर्किंग डेट यानी एक दिन पहले लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा 25 जनवरी 1995 will be the working day, okay, 1995 इसका working day, इसका sorry due date हो जाएगा, actual due date इसका ये आ जाएगा, okay friends, तो मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा, ओके। इसके बाद हम लोग लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके फ्रेंड। तो मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दे दिए, अभी हम लोग 3rd एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल को समझिए, ओके, इट विल टेक टाइम। आए अभी एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जैसा नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ओके, ये अलग है। और आप अगर क्वेश्चन में ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है ना, ऐसा कहीं आ गया फिर इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव्स में या सम्स में, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज होने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग देख लीजिए, ओके। क्या दिया, देखिए, अ बिल इज ड्रॉन ऑन 10th जनवरी 2016, एक बिल ड्रॉन किया, कभी ड्रॉ किया है, ऑन 10th जनवरी 2016 फॉर 120 डेज। अभी तक आप लोगों ने मंथ्स देखा था, अभी यहाँ पे 120 डेज दिया है। देन कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, अगर डेज दे दे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ओके। क्या है हमारा फंडा, डेज, मंथ्स एंड ईयर, ये हमारा तरीका है। इधर क्या लिखते हैं हम लोग, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल हमको क्या दिया है, 10 जनवरी 2016, ओके, यस। और प्लस क्या बोला है, क्रेडिट पीरियड कितना बोला है, 120 डेज, क्रेडिट पीरियड 120 डेज दिया, देखिए, ओके। तो इसको ऐड करते हैं ना, तभी नॉमिनल ड्यू डेट आता है, उसमें हम लोग ग्रेस डेज ऐड करते हैं। उसके बाद ग्रेस डेज, ग्रेस डेज, ग्रेस डेज कितना दिया है, देखिए 3 दिया नहीं रहता, ग्रेस डेज उधर देखना नहीं, ग्रेस डेज हमको खुद 3 डेज ऐड करने होते। तो क्या जाएगा ये 133 01 2016, ओ माय गॉड, अभी तक तो 31st का, यानी 133 जनवरी,
अभी तक आप लोग 133 जैन का भी आता है क्या? अभी तक हम लोगों ने 31st मंथ तक ही देखा है, ये कुछ ज़्यादा आ रहा है, हो जाते हैं ना कन्फ्यूज, डर जाते हैं लोग कैसे करेंगे। ओके, तो डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। ओके, क्या करेंगे फ्रेंड्स इसके बाद? देखिए, ये कभी का है, जैन का है। ओके, और क्या 120 डेज के लिए किया है? 120 डेज मतलब कितना महीना हो सकता है, आप मुझे बताइए। हाँ, 120 डेज मतलब लगभग 4 मंथ्स, तो हम लोग इसमें से 4 मंथ्स का ना डेज माइनस करेंगे। ओके, यस, देखिए कैसे। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेस, क्या लिखेंगे? लेस, क्वेश्चन में क्या दिया है? 120 डेज दिया है ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस डेज ऑफ जैन। अभी देखिए 2016 बताइए लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? 2016 इज अ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। अभी लीप ईयर किसी किसी को हाउ टू आइडेंटिफाई द लीप ईयर भी नहीं आता। ओके, लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा? इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, अगर ये 4 से पूरा डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। 4 5 20 4 4 16, कैसे देख लीजिए, नहीं तो बोलेंगे सर बताते नहीं हो, मुझसे बोल के रह जाते हो। 4 5 4 0 4 4 16। ओके, तो पूरा डिविजिबल है ये, जब कुछ पूरा डिवाइड हो जाए ना तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। अभी 2016 के बाद अभी 2020 चालू है ना, ये लीप ईयर होगा। ओके, क्यों 2020 देखिए, 4 से 4 5 4 5 डिविजिबल है ना पूरा। ओके, यस, तो 31 डेज होता है इसमें। ओके, इसको माइनस करो, 3 में से 1 गया 2 3 में से 3 गया 0 1, और यहाँ पे एक एक मंथ बढ़ाते रहने का, तो ये फैब हो जाएगा। ये ट्रिक है, ये तरीका है, मैंने खुद बनाया है, ये ट्रिक बनाया है, आइडियाज़ अप्लाई किए, तो आप इनको फॉलो कीजिए। ये हो गया, उसके बाद लेस करेंगे। 120 डेज दिया था ना फ्रेंड्स, तो 4 महीने का पूरा हमको लेस करना ही पड़ेगा डेज, तो हमको एक्चुअल डेट मिल जाएगा। क्योंकि अगर 120 डेज प्लस 3 यानी 123 डेज इसके पास आप काउंट करते जाएंगे ना, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ओके, ये फंडा अप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाता है। पहले ऐड कर दीजिए जो दिया हुआ है, ग्रेस डेज ऐड कीजिए, फिर उसमें फर्स्ट मंथ यानी जैन दिया तो जैन का पूरा डेट दिन कितना होता माइनस कीजिए, उसके बाद डेज ऑफ फैब, फेब्रुवरी का डेज भी माइनस कीजिए, कितना होगा फेब्रुवरी? अभी 2016 है, लीप ईयर, तो 29 माइनस होगा, याद रखना। कुछ लोगों को ये तो आ गया, लेकिन उनको ये नहीं ध्यान रहता है कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 माइनस करेंगे, और अगर लीप ईयर है तो 29 माइनस होगा। तो देखिए 12 में से 9 गया 3, 9 में से 2 गया 7। ओके, यस, उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद देखिए क्या आएगा, फिर से लेस डेज ऑफ मार्च। मार्च कितने में दिन का होता है? 31st, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद ये आ गया, अभी देखिए 1 2 3 मंथ्स का ही माइनस किया, और एक मंथ जाएगा डेज ऑफ, ओ माय गॉड, इधर ये मार्च आ जाएगा, इधर ये अप्रैल आ जाएगा। ओके, ये एक बढ़ता रहेगा और ये माइनस होता रहेगा डेज उसके, और इधर से एक बढ़ता रहेगा। डेज ऑफ अप्रैल, अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 2 और ये 1, और ये मई हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग को डेज नहीं याद है ना, वो थंब वाला पढ़ सकते हैं, ऊपर आता है तो 31 हड्डी के ऊपर आया, नीचे आया तो 30 होता है। ओके, मैं आप लोग को एक सॉन्ग दे देता हूँ, सॉन्ग पर ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सॉन्ग लिख दे रहा हूँ, हाँ, याद करना। 30 डेज इन सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ओके, ये याद कर रहे हैं ना आप लोग, मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। 30 डेज इन सेप्टेम्बर अप्रैल जून एंड नवंबर, मतलब 30 डेज होता है किसमें? सेप्टेम्बर में, अप्रैल में, जून में एंड नवंबर में। 30 डेज इन सेप्टेम्बर अप्रैल जून एंड नवंबर, ये 4 महीने में ही 30 डेज होते हैं, याद हो गया ना। 30 डेज इन सेप्टेम्बर अप्रैल जून एंड नवंबर। ओके, यस, तो ये आ गया हमारा ड्यू डेट आ गया। ओके, यस, हमारा ड्यू डेट ये रहेगा अभी, ड्यू डेट। ओके, ये हमारा ड्यू डेट हो गया बिल का। ओके, तो इस तरह करना रहेगा अगर डेज का मैटर आ जाता है तो। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है स्क्रीन पर, मैं आप लोग को सम्स दिखा रहा हूँ। अ बिल इज ड्रॉन ऑन 25th मे, कभी बिल ड्रॉ किया है? ऑन 25th मे 2019,
2019 में कितने डेज के लिए, इट इज ड्रॉन फॉर 87 डेज। तो डेज यहाँ पे होता है, डेज यहाँ आया, ज्यादा होशियारी करके यहाँ डेज ऐड नहीं करना, ये डेज है ओके। और ग्रेस डेज ओके, तो क्या हो जाएगा ये मुझे बताइए आप लोग, ये टोटल कितना हो जाएगा, 5, 7, 12, 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर 11, 115 और ये 5, 2019 ओके यस। तो ये ऐड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अभी ये मिलने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे आप इधर ओके okay, क्या मई में 115 दिन होते हैं क्या, नहीं होते। क्या करना है, मई का पूरा डेज माइनस करना है, तो मई, उसके बाद मई के बाद क्या आएगा, जून। अभी 115 डेज मतलब कितना महीना हो गया आप लोग मुझे बताइए, 115 डेज नहीं देखना है, कितने दिन के लिए किया है, 87 डेज। तो 87 डेज मतलब 90 डेज, मतलब 3 मंथ्स लगभग माइनस करना है इसमें से, जून हो गया तो उसके बाद जुलाई माइनस होगा ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा ड्यू डेट ओके, देखिए डेज ऑफ मई, मई में कितना रहता है 31, और अभी ये लीप ईयर है क्या, नहीं ये लीप ईयर नहीं है ओके। तो 5 में से 1 गया 4, 11 में से 3 गया 8, और ये एक डेज कम हो जाता है, अप्रैल मई था तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी मई था तो ये क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, ये एक बढ़ता रहता है ये घटता रहता है। अभी जून का 30 डेज कितना हो जाएगा, 4, 5, और ये क्या हो जाएगा, जुलाई, फिर जुलाई का 31 डेज, ये क्या 4 में से 3 क्या 1, और ये कितना आ जाएगा फ्रेंड 08, तो क्या आ गया 13 अगस्त 2002 आ जाएगा, क्या आ गया 23 अगस्त 2019 ओके फ्रेंड्स। तो ड्यू डेट यहाँ पे क्या हो गया 23 अगस्त, ड्यू डेट, ये ड्यू डेट आ गया 23 अगस्त 2019 ओके फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा था फोर्थ वन, ये हमारा फोर्थ हो गया, इसके बाद हम लोग करेंगे फिफ्थ वन ओके। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए फिफ्थ सम की ओर, हमारा फिफ्थ सम है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, देखिए क्या लिखा है, इफ ए वन मंथ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 31st January 1980, एक्सेप्ट कब किया, 31st January 1980 और वन मंथ के लिए, तो प्लस वन आ जाएगा इधर ओके। तो क्या आ जाएगा ये 31st 02 1980 ओके, ये आ जाएगा, ये हो गया नॉमिनल ड्यू डेट ओके। ये देखिए मैंने ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 5 में ओके, ये डिटेल में बताया ये नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है, ये नॉमिनल ड्यू डेट आ गया। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंगे फिफ्थ एग्जांपल, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या दिया है, डेट ऑफ बिल 31, इफ अ वन मंथ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 31st January 1980 देन कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल ओके। 31st मैंने यहाँ लिख दिया वन मंथ के लिए, तो यहाँ पे वन ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आएगा और 1980 आएगा। अब ये 2 मतलब फेब्रुवरी आ गया, क्या फेब्रुवरी में 31 डेज होता है या डायरेक्ट 31 लिख सकता हूँ मैं, आई कांट राइट। और उसके बाद फेब्रुवरी दो तरह का होता है, एक 28 वाला और एक 29 वाला, ये लीप ईयर होता है, ये नॉर्मल ईयर होता है। तो अभी 1980 लीप है कि क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड बाय 4, 4, 4 जा 16, 3 बचा ओके, 4, 6 जा 4, 9 जा 36, तो ये लीप ईयर है, 4, 5 जा 20 ओके, फुल्ली डिविजिबल बाय 4 है तो लीप ईयर है, इसका मतलब यहाँ पे 29 आ जाएगा, वन मंथ ऐड करके 29 आएगा। उसके बाद इसमें हम लोग को ग्रेस डेज ऐड करना है, प्लस 3 ग्रेस डेज, ग्रेस डेज ऐड होगा 9, 3, 12, 9, 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, 1 कैरी ओवर 2, 1, 3, अभी फिर आ गया 32, क्या 32 होता है क्या, 32 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, अगर मेरा ऐसा बन रहा है मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो 32 पॉसिबल है क्या, 29 डेज का ही होता है क्या फेब्रुवरी, तो आगे का जो डेज बनेगा लोग कंफ्यूज हो जाते, तो ये क्या है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर है रॉन्ग ओके। अभी 29 फेब तो एंड हो गया ना फेब का, तो 3 दिन यानी मार्च में आ जाएगा, तो 1st March, 2nd March एंड 3rd March, तो उसका डेट क्या बनेगा 3rd March 1980 ओके फ्रेंड्स यस। तो ये ड्यू डेट होगा, यही एक्सप्लेन करना था मुझे। तो आप लोग आज समझ चुके होंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ बिल, ड्यू डेट ऑफ बिल कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोगों को पता चल गया होगा ओके फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन को चूज़ कीजिए, इससे क्या होगा मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स मैं ऐसे होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियोज़ को, मेरे इस लेक्चर को लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक्स माई डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय।